वेलकम बैक टू दैनल एवर वन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डोंट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने के अलावा आज uh, आपने एक अजीब सा टाइटल देखा होगा मेरी वीडियो पर दैट इज़ डेवलपमेंट अपडेट री ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए uh, जिन्होंने आज से पहले लाहौर स्मार्ट सिटी का नाम नहीं सुना या जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वो ये नाम सुन रहे हैं और सोसाइटी uh, के बारे में जानना चाहते हैं और मुख्तलिफ क्योंकि डीलर्स की बातें आप सुनेंगे वो तो डिफरेंट होती हैं मैंने हमेशा आपसे कहा है कि डीलर्स की बातों पर रिलाई ना करें आ, क्योंकि डीलर्स जो हैं वो अल्टीमेटली आपको ख़राब करते हैं दूसरा आज मैं मार्केट की क्रैश होने की जो एक सूरत हाल बनी है उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा सो स्टेप बाई स्टेप मैं आप लोगों को साथ लेके चलूँगा कोशिश करें वीडियो को एंड तक देखें हो सकता है इस वीडियो के मैं दो पार्ट्स बना दूँ पार्ट वन एंड पार्ट टू क्योंकि वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी सो अल्ट्रा बेस्ट के वीडियो में मैं जो फैक्ट्स हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और दूसरी मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें पार्ट्स को स्किप ना किया करें कई दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं वीडियो के एंड में कहता हूँ या वीडियो के दरिया में आती हैं लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी में वीडियो देखते हैं और बाद में वही क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर कमेंट्स बॉक्स में आते हैं या अक्सर मेरे दोस्त मुझसे पूछे होते हैं जब वो मुझसे मिलते हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो ये एक रिकैप है बेसिकली जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब सोसाइटी स्टार्ट हुई थी जब यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट अर्ली डेज़ में तो उस टाइम यहाँ पे क्या था और अब भी जो है वो सोसाइटी की जो है वो कंडीशन कैसे है या फिर ये स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे सो ये सभी आपको दिखाने का पर्पस अगेन वही है कि जो लोग नए हैं जिन लोगों ने ये सोसाइटी जो फर्स्ट टाइम एवर वो इसका नाम सुन रहे हैं उनको पता हो उनको पता लग जाए कि यार ये सोसाइटी किस तरह की थी और यहाँ पर पहले क्या था और आज क्या है ये अगर आप देखें तो ये वाटर ओवर टैंक की फाउंडेशन है तो अभी तो ये स्ट्रक्चर खड़ा भी हो चुका है और ये जी आपकी विलास जो है वो स्टार्ट हुए थे और ये नवंबर में जो है वो इनका काम स्टार्ट हुआ था अर्ली नवंबर इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो ये आप देखें कि नवंबर में ही आपकी जो है वो रोड जो है वो एस्फ़ॉल्ट होना भी शुरू हो चुकी थी मेन भले बॉड जो है सो so, ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो सोसाइटी की प्रोग्रेस जो है वो अभी तक तो बहुत बेहतर है ख़ास तौर तो पर अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है डेढ़ साल पहले उन्होंने तो प्रॉफिट अपना गेन कर लिया बीच में मार्केट में जो है वो ऑन भी कम हुआ और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ये बात करूंगा अपनी वीडियो में कि ओन किस वजह से कम हुआ एक तो रीज़न ये थी ओन कम होने की कि आप ये समझ लें कि मार्केट में तीन ही फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं एक तो आपका इन्वेस्टर है दूसरा आपकी सोसाइटी है और तीसरा सोसाइटी का उर्फ आम में आप उसको डीलर कह लें जो कि सोसाइटी का एम्प्लॉज तो नहीं होता लेकिन सोसाइटी को ओवरऑल रिप्रजेंट करना होता है बिकॉज जो ऑफिशियल डीलर होता है अल्टीमेटली सोसाइटी का सही फेस वही हो होता है बिकॉज सोसाइटी जो है वो उस पर रिलाई कर रही होती है और आप यही समझ लेते हैं कि जो बात वो कह रहा है वो सोसाइटी की तर्जमानी कर रहा है इन्वेस्टर आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है अब ये डिपेंड करता है कि कौन लोग आ रहे हैं और इस, इस किसी भी इन्वेस्टर के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होने में बहुत ज़्यादा किरदार जो है वो डीलर का भी होता है क्योंकि डीलर आपको जिस तरह से गाइड करता है आप उस तरह से परचेजिंग करते हैं सेकंड जो फैक्टर है वो सोसाइटी सेल्फ है कि सोसाइटी किस तरह से काम कर रही है सोसाइटी अच्छा काम कर रही है स्पीडअप है उनका जो डिलीवरी का वो प्रामिस करें जो चीज़ वो प्रामिस करें उस चीज़ को डिलीवर करने तक वो किस हद तक सीरियस है ये चीज़ मैटर करती है इसके अलावा जो चीज़ मैटर करती है सोसाइटी की प्रीवियस परफॉर्मेंस है या प्रोग्रेस है और फिर जो चीज़ मैटर करती है कि उन लोगों के पास वसाइल कितने हैं और थर्ड जो चीज़ मैटर करती है वो मार्केट है मार्केट सिचुएशन है और मार्केट के अंदर जो है वो क्या वाइब्स हैं मार्केट के अंदर आपकी सोसाइटी कैसी जा रही है मार्केट के हालात क्या हैं वो डिपेंड करता है अब जो मार्केट क्रैश हुई लाहौर स्मार्ट सिटी की पिछले कुछ दिनों में जिसके लिए मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में कहा भी था कि मैं अपनी वीडियोस जो है वह नहीं डाल रहा था और इसकी रीज़न यही थी कि मैं देखना चाह रहा था कि मार्केट में क्या कंडीशन है और मार्केट किस तरह से चल रही है तो इसमें क्रैश करने में सबसे बड़ा रोल जो है वो मैं समझता हूँ अलहमदिल्ला डीलर्स का और उसकी वजह यह है कि डीलर्स जो हैं वो लोगों को मैं ये ज़ाती मेरी राय है आप लोग इससे डिसग्री करना चाहें तो डिसग्री करें लेकिन डीलर्स जो है वो लोगों को मिसगाइड करते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि जी आज आप खरीदें कल आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा आज आप ख़रीदें कल आपको 20 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा मसला ये नहीं है मसला ये है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता मैंने हमेशा कह कि प्रॉपर्टी जो है वो स्पेकुलेशन का बिज़नेस है यहाँ पर आप एक चीज़ स्पेकुलेट करते हैं और अगर वो चीज़ वैसी हो जाए तो अलहमदिल्ला ना हो तो फिर आपको दुख भी होता है तकलीफ़ भी होती है और समटाइम्स आपको फाइनेंशियल लॉस भी होता है तो मैंने ये हमेशा ये चीज़ की है जो लोग रियल इस्टेट इन्वेस्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट में है बैरियर टाउन है डी है लाहौर स्मार्ट सिटी है या लाहौर में कोई और छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या किसी नए प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं आप एक चीज़ ध्यान रखें में रखें कि आप किसी भी इवन आप स्मार्ट सिटी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक स्पेकुलेन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी स्पेकूलेशन क्या है कि ये सोसाइटी महंगी हो जाएगी और ये जब ये सोसाइटी महंगी होगी तो मुझे प्रॉफिट होगा और यहाँ पे जी रिंग रोड से अप्रोच अच्छी है कल को मेट्रो की एक्सटेंशन हो सकती है और इसके अलावा जी सियालकोट नज़दीक है कल को नया एयरपोर्ट यहाँ पर बन सकता है ये सारी स्पेकुलेशन हैं इनमें से कुछ स्पेकुलेशन जो है वो हकीकत के करीब तरें और कुछ हकीकत से दूर हैं मसला अगर आप ये समझते हैं कि यह सोसाइटी मोटरवे के और रिंग रोड के बिल्कुल करीब है यहाँ से अप्रोच बहुत अच्छी है तो कल को लोगों का रुझान बन सकता है कि ये सोसाइटी करीब है तो यह स्पेकुलेशन हकीकत के करीब है लेकिन कल को मेट्रो की एक्सटेंशन होती है या नहीं होती अब यह हकीकत से दूर है आ, हो सकता है हो जाए हो सकता है ना हो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है हालात पे डिपेंड करता है सेकंड ये सोसाइटी जो है अपनी डेवलपमेंट कर रही है अच्छे पेस पे कर रही है आप स्पेकुलेट करें कि इसी पेस पे जारी रहेगी और तीसरी चीज़ ये है कि मार्केट में इसकी वाइब्स जो है अभी पॉजिटिव हैं अभी कुछ हर्सा पहले थोड़ा डाउन हुई लेकिन उससे पहले इसकी मार्केट में पॉजिटिव वाइब्स थी और लोगों का इसके बारे में अच्छा रुझान था अभी भी अच्छा है लेकिन डेफिनेटली जब मार्केट क्रैश करती है तो डेट मीन्स कि या तो मार्केट से बाहर एकदम निकल गया या फिर मार्केट जो है वो आर्टिफिशियली हाइक थी मेरे ख्याल से मार्केट से बाहर नहीं गया मार्केट आर्टिफिशियली हाइक थी डीलर्स ने हाइक एक क्रिएट की हुई थी और वो हाइप जब आपकी लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो आ, पूरी नहीं कर पाई तो डेफ़िनेटली उसने कहीं ना कहीं तो क्रैश करना था अब आप खुद बोल बोल के बोल बोल के अगर उन बढ़ा रहे हैं एक चीज़ है कि वो लॉन्च ही जो है वो ऑन पे हो रही है लेट से अभी मैंने एक डीलर से पता किया कि जी मुझे थ्री पॉइंट फाइव मरला की डील के बारे में बताएं है। कहते हैं जी थ्री पॉइंट फाइव मरला नहीं आ रहा बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर आया तो हो सकता है ऑन पे आए दैट मीन्स कि आप लोगों को इंक्रेज करें कि जी आप अपना पैसा फ़ौरन फेंकें इस सोसाइटी पे जो सबसे बड़ी तनकीद हुई वो वो भी यही हुई कि आपका जो कमर्शियल प्लाट्स है फोर मला ना वो जो है वो लॉन्च ही हुए हैं तो वो ऑन पे लॉन्च हुए हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सोसाइटी लॉन्च कर रही है एक चीज़ और वो ऑन पे लॉन्च हो रही है सो so, इसमें डीलर्स हजरा ने यह इसकी ब्रांडिंग की जी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इसको ओन पे लॉन्च करना पड़ा एंड दिस दैट लेकिन ऐसा नहीं होता आप मार्केट में एक चीज़ कौन कोट करें आ, जो अर्ली बायर्स हैं वो ले लें आप ये कह सकते हैं कि जी बुकिंग एकदम ख़त्म हो गई है उसके बाद ऑन आए तो वो कहे जी सेकंड जो बायर्स हैं आप सेकंड ओनर है लेट से मैं सेकंड ओनर हूँ तो मुझे लोग ज़्यादा ऑन दे के या मुझे लोग ऑन पे करके फाइल्स ख़रीद लें तो दैट इज़ फाइन लेकिन लॉन्च ही अगर ऑन पे हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत में कुछ काला है अगेन मैं ये कहूँगा कि मुझे ये, मेरा ये फ़र्ज़ है मैं आपके साथ जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स सोसाइटी के दोनों डिस्कस करूँ क्योंकि मैंने सोसाइटी का पैसा नहीं खाया हुआ और ना ही मैं सोसाइटी का पैसा खाऊँगा और ना ही मैं सोसाइटी का डीलर हूँ मेरी राय जो है वो एक इन्वेस्टर की सी है सो इन्वेस्टर जो है वो उसको चाहिए कि अगर जो चीज़ मुझे अपने लिए पसंद है वही मेरे बाकी भाइयों के लिए इन्वेस्टर्स के लिए भी पसंद होनी चाहिए और बहनों के लिए पसंद होनी चाहिए सो मेरा फ़र्ज़ है जो चीज़ मुझे समझ आ रही है उसको मैं क्लियरली एक तो आपके सामने बयान करूँ और दूसरा उसको जो है वो उसी अंदाज से बयान करूँ जिस अंदाज से मुझे समझ आ रही है ना कि आपको मिसगाइड करूँ सो ओवरऑल एक तो ए, दो पॉइंट इस सोसाइटी के नेगेटिव आए हैं अब तक एक तो इन्होंने ओन पे जो कमर्शियल्स इसके लॉन्च किए और सेकंड एक ऐसी हाइप क्रिएट की जाती है स्मार्ट सिटी की आप बुकिंग्स को देख लें इसकी बुकिंग्स बड़ी जीप सी हैं एक दिन दो दिन पाँच दिन आती है बुकिंग उसके बाद ये फ़ोरन जी, जी फाइल्स ख़त्म हो चुकी हैं उसके बाद ये ऑन आ गया अब ओन आ गया उसके बाद ये सेकंड बुकिंग आ गई है सेकंड बुकिंग पे ऑन आ गया और ऑन आने के बाद ये थर्ड बुकिंग आ गई है और जब आप थर्ड बुकिंग के लिए जा रहे होते हैं तो पता चलता है जी वो जो अठारह वाली फाइल है वो आपको दस हज़ार ओन मिल रही है बीस हज़ार ओन मिल रही है ये अर्ली डेज की मैं बातें कर रहा हूँ अब की बातें नहीं हैं अब तो सोसाइटी बहुत बेहतर हो चुकी है अब तो सोसाइटी के जो वो मार्केट कंडीशन भी बहुत बेहतर है और मार्केट में इसकी समझ लें कि वाइज भी अच्छी हैं लेकिन एक अर्ली डेज़ की मैं बात करूँ बिंग प्री लॉन्च कस्टमर मुझे खुद ही अफसोस हुआ कि जो फ़ाइल मैंने आज से छः महीने पहले जो मैंने फ़ाइल जो अठारह लाख की ली थी वो सात आठ महीने बाद भी अठारह हज़ार के लाख की जो है मिल रही थी तो आपको दुख होता है कि यार आपने एक चीज़ इन्वेस्ट की और उसका रिटर्न नहीं आ रहा उल्टा सोसाइटी जो है वो प्री लॉन्च फाइलें जो है वो बेचती जा रही है तो ये अर्ली डेज़ की बातें मैं कर रहा हूँ लेकिन अगेन मैं आपको बताऊँगा कि क्योंकि हम रिकैप कर रहे हैं तो हम शुरू से लेके चलेंगे कि क्या क्या होता रहा सोसाइटी में और अब सोसाइटी जो है किस स्टेज पे आई है किस किस लेवल से वो गुज़र के यहाँ तक पहुँची है कि अल्टीमेटली जो द रेजिडेंट्स ऑफ लाहौर वो अब भी यही कंसिडर करते हैं कि ये लाहौर से बाहर है और लाहौर से दूर है और आपने ज़्यादा क्रिटिसिजम जो लोगों से सुना होगा वो यही सुना होगा कि ये लाहौर से बाहर है लाहौर से दूर है और हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते क्योंकि हमें आने जाने में या कम्यूट करने में जो प्रॉब्लम्स होंगे दूसरी सूरत में इसका प्लस पॉइंट भी यही है कि जो लोग लाहौर में जाना चाहते हैं लेकिन लाहौर के अंदर नहीं रहना चाहते उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि वो इसके ज़रिए जो है कम्यूट बड़ा इजी सी कर सकते हैं रिंग रोड आपको अवेलेबल है जी रोड आपको अवेलेबल है मोटरवे आपको अवेलेबल है और इसके अलावा दो तीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इसके पास एक तो बहुत पुराना है ऐसे गार्डन है उसके अलावा कुछ एक दो नए भी आ रहे हैं लगे हुए हैं बल्कि और इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ न्यू यूनिवर्सिटीज़ की और इसके अलावा एक एयरपोर्ट की भी बातें चल रही हैं फिलहाल तो फ्लाइंग क्लब आ रहा है लेकिन उसके बाद क्या वो परमानेंटली एक एयरपोर्ट बनेगा या नहीं ये भी एक सवाल है अगेन स्पेकुलेशन की बात आ गई सो so, मैं इसको सम अगर करूँ अपनी बात को तो मैं यही कहूँगा कि हाउसिंग प्रोजेक्ट या हाउसिंग सोसाइटी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है अगेन मैं ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर रहा करूँ इम्पॉटेंट जो है वो इन्वेस्टर है इन्वेस्टर के डिसीजन है मार्केट अगर क्रैश की है तो इन्वेस्टर की वजह से किया है और इन्वेस्टर को अगर मिसगाइड गाइड किया तो डीलर ने किया है सोसाइटी uh, की अगर रिप्रेजेंटेटिव अगर डीलर है तो डेफिनेटली फिर सोसाइटी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होगी लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज का जो इन्वेस्टर है आज का जो बायर है वो बड़ा मेच्योर है वो अपने डिसीजन मेकिंग पावर में बड़ा वो स्ट्रांग है सो मैं लोगों को एक ही मशवरा दूंगा कि अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लेके कर चलें यहाँ पे आप इन्वेस्ट करें और इस सोच से करें कि आपने इसको काफ़ी अर्सा लेके के साथ चलना है और ये जो प्रोजेक्ट है ये आज या कल में ख़त्म होने वाला नहीं है इसको अगले पाँच छः साल चाहिए फिनिशिंग तक जाने के लिए और अब बात आबादकारी कि लिए भी इसको टाइम लगेगा सो आपको बेनिफिट होगा ज़रूर होगा लेकिन बेनिफिट लेने के लिए फ़्रूट लेने के लिए आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी थोड़ा सा टाइम देने पड़ेगा सोसाइटी उस को उसके बाद ही आप इसमें से फ्रूट ले सकेंगे